अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद DGSIS ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था, एंड इट वॉज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम, और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस जिस पेशेंट को मॉडरेट ARDS, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेवरेट के। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों, उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पेथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद नहीं, ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं, ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज़ ए क्राइम। बेसिकली ये जितने भी लोग लगा लगा के घर भेज देते हैं, किसी ने उसका LFT नहीं कराया, किसी ने लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं कराया। बाद में ऐसा एग्जांपल मैं आपको एक डॉक्टर का देता हूँ जो रीवा से इंदौर आए थे, वो विदाउट टेस्ट रेमडेसिविर लगा के आए थे, उनको पेंक्रेटाइटिस हुई, 2 महीने तक परेशान हुए। इस इंजेक्शन के बाद में भी, 5 दिन बाद भी फिर से लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। इसको हॉस्पिटलाइज करे बिगर या हॉस्पिटल में रखे बिगर कभी भी यूज़ ना करें। ये रेमडेसिविर की शॉर्टेज जो दिख रही ना, ये लोगों ने घर में रख रख के और ब्लैक करने के लिए रख लिए थे। कई मरीजों के अटेंडेंट भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पे इसलिए रख लिए कि उनको लगा कि कभी हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो इस शॉर्टेज को फेस ना करना पड़े। थर्ड बात यह है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन 2 डोज अगर किसी को लग गए हैं तो अगर थर्ड डोज मिस भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। इसका अल्टरनेटिव भी है, इम्यूनोसिन अल्फा, आप उसको लगा दोगे और टेबलेट पर रख लोगे तब भी काम चल जाता है। इसका मैं लिटरेचर साइंटिफिकली पेपर पब्लिश कर चुका हूँ और बड़े ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ। इसके बाद जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं उनको हो सकता है कि बाद में और उपयोग भी करना पड़े या दूसरे भी ट्रीटमेंट देना पड़े। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल तरीके से लोगों ने घर में इकट्ठे कर करके इसको रेमडेसिविर को वो कर दिया, रेमडेसिविर की नहीं तो कमी कभी नहीं आ सकती थी। दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन, शेयर करें खूब खेले खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा। किसी की गलती नहीं मानता, देखिए ये भगवान का दिया हुआ कोविड है, अपन सब में से भी बहुत सारे लोगों का परेशान, आपके भी बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और अभी भी भर्ती हैं, तो इसलिए इसको अपन किसी को दोष न दें। अभी तो अपन इस जो आपदा आई है अपने को इससे निपटें, क्योंकि इतने इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट जो सिटी स्कैन करा करा के घूम रहे हैं 5% 10% लेके, उनको 10वें दिन जो 30% और 50% हो रहा है उनको बचाना है अपने, इसलिए मैं आज तो बोलने आया। इम्यूनोसिन अल्फा करके एक इंजेक्शन आता है जो सबक्यूटेनियस लगता है, वो रेमडेसिविर का अल्टरनेटिव है और इसकी टेबलेट फेबिब्लू आती है, वो 800 मिलीग्राम की लोडिंग डोज में अगर 2 टेबलेट सुबह शाम देके और फिर करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं आती है। सेकंड,
जो ये 6-6 इंजेक्शन लगाना और ज्यादा इंजेक्शन लगाने का है, इसको अगर अभी अपने को तकलीफ हो रही है तो 2 का लोडिंग डोज से टेबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट आर ऑन ओरल ड्रग्स या खा पी रहे हैं, तो उनको अपन ओरल ड्रग्स पे भी मेंटेन कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। सबसे पहला हम सब लोग प्रयास में हैं, और हमारी आज सुबह भी करीब 4 घंटे मीटिंग हुई है। हम सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को ठीक करेंगे, और इसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा जरूरत है आईसीयू बेड की, उसके बाद जरूरत है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर के बाद जरूरत है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है और वो बाथरूम में उठ के ऑक्सीजन खोल के चले जाता है। तो ऐसे हर फ्लोर पे लोगों को रखना पड़ेगा कि हमारे वॉलंटियर्स उस ऑक्सीजन को बंद कर दें। मरीजों को ट्रेन करना पड़ेगा, अब अनपढ़ मरीजों को कोरोना नहीं हो रहा है, सब पैसे वालों को ही हो रहा है कोरोना, तो सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि इस ऑक्सीजन का वेस्टेज नहीं करें। 30% ऑफ द ऑक्सीजन मैंने पिछले 15 दिन में इसी बेसिस से कम कर ली। सर, पढ़े लिखे लोगों को अवेयर कर, उनको अवेयर, ये मैसेज आपके थ्रू ही जा रहा है ना आज, ये मैसेज इसीलिए तो करने आए। मैं आप जब ये इसको अच्छी तरह से बताएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको रिटेल स्टोर पे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा, अब सिर्फ वो अस्पतालों में ही मिलेगा, वो भी उसी अस्पतालों में मिलेगा जहाँ पर कि इसकी साइंटिफिकली प्रूवन सब कुछ हो चुका है। रेट तो तय है, जो परचेस प्राइस है उसका 20% से ज्यादा कोई नहीं ले सकता है। आपको जब भी लगे मैं आपको हर कंपनी के रेट बता देता हूँ, लिख लो। 2000 से 2200 रुपए का हिट्रो का इंजेक्शन है, 2500 रुपए का माइलान का इंजेक्शन है, ये मैं 20% बढ़ा के बता रहा हूँ सब चीजों, और बाकी कंपनियों का मैं यूज ही नहीं करता इसलिए मैं बता भी नहीं सकता।